कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी जुड़ गए हमारे साथ यूपी में। इन्होंने बहुत मेहनत की है। इमरान प्रतापगढ़ी साहब, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। और यूपी से बड़े अच्छे नतीजे अभी तक दिखाई दे रहे हैं आपके। 8 सीटों पर तो आपकी अपनी पार्टी लीड कर रही है। आपका अलायंस, नंबर वन अलायंस दिखाई दे रहा है यूपी के अंदर फिलहाल। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद जी। तो यूपी में अभी जो दिखाई दे रहा है ये तो सारे पोल्स के बिल्कुल विपरीत है। नहीं, उत्तर प्रदेश को सबसे मजबूत गढ़ समझ रही थी बीजेपी, और देखिए कि उत्तर प्रदेश ने ही जमीन सरका दी पैर के नीचे से। और हम शुरू से कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश बहुत अप्रत्याशित परिणाम देगा, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश को ये बता रहे थे कि पूरा एनडीए के खाते में, भाजपा के खाते में, आज सारे एग्जिट पोल धराशायी हो गए, झूठे साबित हुए। और जो एग्जैक्ट पोल है वो ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश सबसे मजबूत किला बन रहा है इंडिया गठबंधन का। तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई दूंगा कि उसने संविधान बचाने के लिए वोट किया, महंगाई के खिलाफ वोट किया, बेरोजगारी के खिलाफ वोट किया, नफरत के खिलाफ वोट किया और राहुल जी और अखिलेश पर भरोसा जताया। देखिए, 14 में जो नतीजे आए थे, 19 में जो नतीजे आए थे, उसको देखते हुए शायद ज्यादा ही ऐसी अपेक्षा लग रही थी कि यूपी एक बार फिर बीजेपी के पक्ष में जाएगा। क्या बदल गया इस बार ऐसा? सिर्फ यूपी ही नहीं, आप बंगाल में एग्जिट पोल क्या बता रहा था कि 25 के आसपास जाएंगे, वहां 10 के आसपास आ गए हैं। महाराष्ट्र पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो रहा है। बिहार में ढेर बड़े मार्जिन के साथ हार रहे हैं, राजस्थान में हार रहे हैं, हरियाणा में हार रहे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश का जिक्र क्यों करें? शायद आपके पास गलत इनपुट आ रहा है। बिहार नहीं, में मेरे पास बिल्कुल सही इनपुट है मीनाक्षी जी। सुनिए ना, जो इलेक्शन कमीशन बता रहा है बिहार में लड़ाई बहुत अच्छी है, उत्तर प्रदेश में माना कि जितनी बातें आपने कही वो सच है, लेकिन बिहार में तो बिहार में पिछली बार महागठबंधन के पास सिर्फ एक सीट थी। अगर उससे बढ़ रहा है महागठबंधन तो वो अच्छा नहीं, आप उसे अच्छा नहीं मानेंगे? देखिए, जो जैसा है उसको वैसे ही बोलेंगे ना इमरान जी। बिहार में 31 सीट पर एनडीए लीड कर रहा है, 31 40 में से। बाकी राज्य जो आपने कहे वो ठीक है, पर वो दूसरी तरह से देखना चाहते हैं ना, समझने नहीं देती सियासत हमें बचाई। पिछली बार बिहार अलग तरह से वो कह रहे हैं, जो जीरो नंबर लाने वाला बच्चा जो है 10 लाख, इस लिहाज से आप कहना चाहते हैं तो ठीक है, बोलिए। नहीं, अगर आप अभी भी इस चीज को डिफेंड करना चाहते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो मैंडेट आपको दिख रहा है, जो उनके पास सीटें आ रही हैं, उसको लेकर अभी भी आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हजम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कुछ भी चिढ़ा लीजिए, वो तो अलग बात है। लेकिन मानिए जो देश दे रहा है मैंडेट। चलिए, आप एक बात मानेंगे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का साथ ना होता तो आपकी टैली ये नहीं होती कांग्रेस की। तो भाजपा के पास अगर सुहेल देव राजभर अपना दल का साथ ना होता तो भाजपा 10 सीट का शून्य पर है अभी। फिर ये कहिए आप ना, अगर भाजपा के पास एनडीए का साथ ना होता वहां कितने दलों का गठबंधन था उनके पास, आपको पता है? नहीं, अपना दल के पास तो भी शून्य है, सिर्फ आरएलडी अपनी 2 सीटों पे जीत रही है। शून्य रह जाएगा, लेकिन गठबंधन तो था ना, अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेल देव राजभर पार्टी, कितनी पार्टियां थी उनके साथ। अगर वो ना होते तो भाजपा का आंकड़ा क्या होता, इस पर बात क्यों नहीं कर रही हैं आप बता दीजिए, हम तैयार हैं। हम बता सुनने के लिए, हम पहले मेरे सवाल का जवाब आप दे नहीं रहे हैं। जब आप अखिलेश जी और कांग्रेस के गठबंधन की बात कर रही हैं, तो फिर एनडीए के साथ जो गठबंधन कांग्रेस प्रवक्ता से तो सर यही पूछूंगी ना, बीजेपी वालों से पूछ लूंगी, ये उनके लिए सवाल छोड़ दें अगर आप ये वाला बताना चाहें, नहीं तो आप बता दीजिए दोनों के लिए। मैं बता रहा हूँ, पूछिए, मैं सवाल बता रहा हूँ, आप सवाल पूछिए। मैंने पूछा ना कि समाजवादी पार्टी का साथ ना होता तो क्या कांग्रेस अपने दम पर भी इस तरह की, मतलब समाजवादी पार्टी का साथ मिला इसीलिए टैली इतनी आगे बढ़ी आपकी? समाजवादी पार्टी का साथ क्यों ना होता, इंडिया गठबंधन बनाया किसने? हमने मेहनत की, इंडिया ब्लॉक बनाया नफरत के खिलाफ, तो गठबंधन क्यों ना होता, जो चीज है उस पे बात करिए ना। नहीं, बिल्कुल ना होता, ऐसा ना होता, क्यों ना होता, गठबंधन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इसमें इमरान जी, कोई शको सुबह है ही नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब जिस तरह की भाषा चल रही है वो ऐसी भाषा है कि कोई से 300 सीटें जीती हुई हो अभी भी एनडीए, अभी भी उन्हें क्रेडिट, मैं तो भाषा की बात कर रहा हूँ भाई। आपने अच्छा प्रदर्शन करा, बहुत अच्छी बात है, आपको बधाई मिलनी चाहिए, उसमें कोई नहीं, लेकिन अभी भी जो है जीत तो एनडीए रही है, अभी भी आप थोड़ी जीत रहे हैं। जब आप जीत जाए तो ये भाषा आप तब इस्तेमाल करिए, मैं मानता हूँ, लेकिन आज के दिन ये भाषा बोलिए, जो ये कह रहे हैं कि भाषा, इन्होंने प्रधानमंत्री जी की भाषा पे एक भी टिप्पणी की जो उनके चुनावी भाषण थे उस पर, मुजरा से लेकर मंगलसूत्र से लेकर के भैंस तक पे कोई टिप्पणी की इन्होंने, तब इनको भाषा नहीं दिखी? प्रधानमंत्री की भाषा नहीं दिखती आपको? विपक्ष के लोगों की भाषा दिखती है आपको? तो निष्पक्ष होइए पहले, उसके बाद फिर आप इस तरह का सवाल पूछिएगा कि अभी आपने 300 नहीं जीता है, हम 400, आप ही लोग तो 400 पार करवा रहे थे ना, तो हम क्यों ना सवाल उठाएं? इमरान जी, 400 का आंकड़ा कहां चला गया? इमरान जी, मैं जानना चाहता हूं आपसे, जो कांग्रेस ने राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार किया था 22 जनवरी को,
क्या आपको लगता है कि इसका फायदा आपको उत्तर प्रदेश में मिला है? हमने बेरोजगारी पे, महंगाई पे चुनाव लड़ा, हमने युवाओं के मुद्दे पे चुनाव लड़ा, हमने संविधान बचाने के लिए चुनाव लड़ा, हमें इसका फायदा मिला है। हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा, भाजपा नफरत की बात कर रही थी, हम मुद्दों पर डटे हुए थे, हमने संविधान बचाने के लिए चुनाव लड़ा, हमें इसका फायदा मिला है। इमरान जी, ये बात बिल्कुल ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर आपके गठबंधन को जो कामयाबी मिल रही है, किसी एग्जिट पोल ने नहीं दिखाया था, बीजेपी ने शायद बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए थे, एग्जिट पोल ने जो दिखाया वो अभी बाकी राज्यों में भी वैसा नहीं दिखाई दिया, कुछ राज्यों में जैसे एमपी है, गुजरात है, कर्नाटक है, यहाँ पर अपनी जमीन बचा रही थी, ज्यादा तो मीडिया ने दावे किए थे भाई, ये तो मीडिया के एग्जिट पोल की सबसे बड़ी हार है। एग्जिट पोल होते हैं सर, हम दिखाते हैं, कोई करता है तो हम दिखाते हैं, उससे कोई पीछे नहीं हट रहा है, वो सवाल इतना अभी बात है, वो समझ में आता है ना देश को। अच्छा ठीक है, अब तो वो देश पे ही छोड़ देना, वो मुझे भी सुन रहा है, आपको भी सुन रहा है, बिल्कुल हमने देश पे ही छोड़ा हुआ है, बिल्कुल तो उसी पे छोड़ दीजिए। सवाल यहाँ ये उठाया गया था, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, भारतीय जनता पार्टी और एग्जिट पोल्स के जो भी दावे थे वो उसके आसपास बीजेपी पहुंचती हुई नहीं दिखाई दे रही है, बीजेपी अभी 240 के आसपास है, बीजेपी अपने दम पर मेजोरिटी हासिल करेगी क्या? अभी तो सबसे पहला सवाल यही बना हुआ, वो 272 छू पाएगी कि नहीं छू पाएगी? आप लोग भी, आप लोग अभी 100 के आसपास हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था कि भाजपा 200 का आंकड़ा नहीं पार करेगी, अभी इन रुझानों को नतीजों में बदलने दीजिए, आप देखिएगा कि भाजपा 200 के आसपास आ जाएगी। कैंची से चरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे, तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से मुंबई तक, जो देश के असली मुद्दों पर डटा रहा उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने प्यार फैलाने की बात की, मोहब्बत की बात की और देश ने उस पर भरोसा जताया। 3 महीने पहले ना मीडिया मान रही थी ना देश मान रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने, बाकी घटक दलों ने वो कर दिखाया जो बिल्कुल अप्रत्याशित है, और सारे एग्जिट पोल झूठे साबित हुए हैं, और झूठे नहीं बल्कि महाझूठे साबित हुए हैं। इमरान जी, दो और राज्यों की बात कर लेते हैं, फिरांशु जी, दो राज्यों की बात कर लेते हैं, एक उड़ीसा की बात कर लेते हैं जहां पर विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आप देख ही रहे होंगे, और दूसरी आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। इन दो राज्यों के बारे में कांग्रेस पार्टी का क्या ख्याल है? नहीं, हमारा ख्याल बिल्कुल अच्छा है। आंध्र प्रदेश में हमारे पास संगठनात्मक तौर पे जो कमियां हैं, हम यहाँ सेंटर में सत्ता में आने दीजिए, हम उसे सुधारेंगे।